नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टाइटन स्पैरो। आज को दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में मतलब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप जुपिटर नोटबुक जो होता है उसमें वर्ड रैप कैसे कर सकते हो। वर्ड रैप इन मींस मतलब दोस्तों क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप देख सकते हो मैं आप जुपिटर नोटबुक जो है मैंने ओपन करके रखा है, तो मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एकदम लंबा लाइन टाइप करता हूं, या तो आपके जब आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करोगे तब आपको ना कुछ ऐसा इशू एनकाउंटर होगा कि आपके पास कोई एक लंबा जो है मतलब एक लॉन्ग स्ट्रिंग होगा उसको आपको पास करना होगा। तो क्या होता है नॉर्मली जो है, देखिए हम जो VS कोड या पाइचाम जो रहता है, हम VS कोड में कैसा होता है कि अल्ट और जेड हम दबाते हैं, इसका शॉर्टकट है अपना VS कोड का, जिससे वर्ड रैप हो जाता है। मतलब क्या होता है, मतलब एक ही विंडो में है जैसे कि यहाँ पे है तो कुछ इस तरीके से हमको दिखने लगता है वो। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे हम अगर कंट्रोल जेड में कर दिया तो एक लाइन को वो पूरा ऐसा ले लेता है, वर्ड रैप कर नहीं सकता। तो कभी कभार ऐसा नीड होता है कि हम वहाँ पे एंटर हम क्लिक नहीं कर सकते, हमको पूरा एक ही स्ट्रिंग देना होता है, तो ऐसे कुछ चीज़ एनकाउंटर हो सकते हैं। या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोड समझे कुछ कुछ जगह पे लंबा है और हमको कोड कंपेयर करना हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती है अगर कुछ ऐसा स्क्रोलिंग का हमको इश्यू होता है, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रिंग हो। तो हमको क्या करना है जुपिटर नोटबुक में भी हमको क्या करना है, वर्ड रैप का जो है सेटिंग करना है। तो उस चीज़ को कैसे किया जाए, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको पहले तो क्या करना है, पहले तो आपको जाना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, और इस पे जो है ना आपको एक पहले तो कमांड लिखना है, वो है ये है कि जुपिटर फिर हाइफन हाइफन कॉन्फिग फिर हाइफन dir। ओके तो दोस्तों इससे क्या होता है ना, इससे ना आपको जो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी जो होती है जुपिटर नोटबुक की, मतलब कहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इनकी सेटिंग्स को, वो आपको डायरेक्टरी जो है वो आपको दिख जाएगी। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सी के अंदर जो है यूज़र एडमिन और डॉट जुपिटर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, जो भी फाइल जो भी फोल्डर जो होता है डॉट से स्टार्ट होता है वो होता है हिडन फाइल। ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और मेरा जो है मैं इसके अंदर जाऊँगा, यूज़र के अंदर है फिर मेरा एडमिन के अंदर है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा ऑलरेडी जो है हिडन फाइल्स जो है व्यू पे मैंने रखा हो। इन केस अगर आप विंडोज़ 10 में है, विंडोज़ 11 में भी शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्टकट मीन्स आप सेटिंग होता है, अगर आपको ऐसा जुपिटर डॉट जुपिटर नोटबुक का जो ये है फोल्डर नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू पे जाना है और यहाँ पे देखिए हिडन आइटम्स पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ पे शो कर देगा। ओके तो मेरा जो है ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इसके अंदर जाऊँगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी सेटिंग्स होती है जुपिटर की, कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमको करना होता है हम जो है यहाँ पे करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और एक फोल्डर बना देता हूँ। ओके और फोल्डर बनाना है आपको किसके नाम से, nbconfig। ओके nbconfig तो ये बना लिया हमने, और इसके अंदर दोस्तों हमको एक ना फाइल बनाना है। क्या फाइल बनाना है, वो है notebook.json, और उस json फाइल के अंदर जो है हम जो है वर्ड रैप का जो है कोड डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो कोड है मैंने ऑलरेडी मतलब लिखा हुआ है, मतलब लिखा है मीन्स मुझे भी खुद नेट से ही मिला है, नेट के मैंने उनके ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है। अब दोस्तों क्या है ना, ये जो कोड है ना मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको क्या करना है वहाँ से कोड पर उठाना है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा है, अब मैं इसको डायरेक्ट यहीं पर सेव कर दूंगा एज जेसन फॉर्मेट। ओके जेसन फाइल में सेव करूँगा, कंट्रोल एस मैंने किया और आप देख सकते हो जुपिटर नोटबुक के अंदर nbconfig फाइल, इससे पहले भी मैंने सेटिंग किया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा notebook.json। ओके तो हाँ स्पेलिंग बराबर है, हम इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है फाइल जो है हमारी सेव हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे और एक बार आपको इधर से कट करना है और ये जो फाइल है इसको शट डाउन कर लेना है। हमेशा याद रखना डायरेक्टली सेटिंग अप्लाई नहीं होगा, पहले आपको उस फाइल को शट डाउन करना है फिर वापस इस चीज़ को ओपन करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए उसने ऑटोमेटिक मैं समझो कुछ भी लिखता हो, ये देखिए मैं आगे और भी लिखते गया ये देखिए वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वर्ड रैप हो रहा है। मतलब अभी आपको ना ऐसा स्क्रोल विल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पूरा कोड जो है एक ही जो है पेज पे पूरा देख सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, ऊपर नीचे हमको करके कभी कभार स्क्रोल से भी ना हमको बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार क्या होता है, कुछ हमको API की कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो बहुत लंबा होता है, तो इस तरीके से हम ना वहाँ पे डीबगिंग भी जो है अच्छे से हम कर सकते हैं। ओके तो आई होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो मतलब जो इशू है उसका आपको सॉल्यूशन पर बहुत प्रॉपर मिला होगा, इसका कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये जो है इशू बहुत अच्छे से फाइंड हुआ, आपको हेल्प हुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
दोस्तों साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।